हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिस्ट्रक फेयर। आज दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। हम सेंटर पे मौजूद है, सेंटर से बाहर निकलते हैं कैंडिडेट्स, उनसे हम सवाल पूछेंगे। किस तरह से सवाल उनसे पूछे गए हैं, चलिए चलते हैं कैंडिडेट्स की तरफ। कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने 130 लगभग। आप बताएंगे कैसे क्वेश्चन थे रीजनिंग से? ईजी क्वेश्चन थे, हो गए लगभग। कैसे, डाइस वाले क्वेश्चन थे क्या? हाँ, डाइस वाले भी थे। एंगल वगैरह थे उसमें, पजल टाइप का? टाइप एंगल, जैसे ट्रायंगल गिनने वो भी थे, ट्रायंगल काउंट करने वो भी था। और इसमें जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन थे? कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, जैसे वो हमारा वो नहीं होता है अल्फाबेट में से, वो भाई ये इसको ऐसे कोड किया गया, इस ऐसे इसका बताओ, वैसे था। और बताएंगे कि इसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे? ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और इसमें मैथमेटिक्स में किस चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से या फिर मीन मीडियन से, ट्रिग्नोमेट्री से, कैसे? ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन बहुत कम थे, एक भी नहीं था लगभग। एक भी नहीं था, हाँ। कैसा लगा आपका मैथ का पेपर? मैथ का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब टाइम टेकन था। हाँ, टाइम टेकन था। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे क्या? न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे, हाँ। अच्छा, साइंस से कोई क्वेश्चन आया था, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से? हाँ, साइंस से क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन बताइए? साइंस से क्वेश्चन जैसे एटमोसफेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये नहीं होते हैं, ये परतों के हिसाब से बहुत क्वेश्चन थे। मतलब लेयरिंग बता रहे थे कि एटमोसफेयर का कौन सा लेयर, मतलब किसमें क्या पाया जाता है, इस टाइप का क्या, जैसे ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसे होते हैं? हाँ, जैसे कोई उल्का पिंड आता है, मतलब वो कहाँ आके जल जाता है, हैं, वो कौन सी लेयर होती है, वो ऐसे क्वेश्चन थे। जैसे हिंदी में परासर्ग नहीं होता है, वो मुझे नहीं पता क्या होता है, उसमें से लगभग 5 क्वेश्चन थे परासर्ग। हाँ, जैसे निकाम शब्द है कोई, उसमें से परासर्ग क्या है, नी का म, 4 पार्टों में बंटा हुआ था वो, हाँ, उसमें से परासर्ग क्या है, ऐसे पूछा हुआ था। बाकी उसमें से जैसे ये जनरल हमारी जीके होती है, उसमें हिस्ट्री भी आई हुई थी और स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन आए हुए थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से क्या क्वेश्चन थे, कैसे, मतलब कि कोई प्राइज लेके, जैसे कॉमनवेल्थ का था, IPL 2020 किसने जीता था, मतलब मुंबई इंडियंस, वो तो मुझे पता था। जैसे वो भी आया था इकोनॉमिक सर्वे, किसने किया था हमारा 2020-21 का, निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। बाकी ये स्पोर्ट्स से भी बहुत सारे और क्वेश्चन, बाकी जीएस से क्वेश्चन थे क्या, कोई वो नोबेल प्राइज भी लेके जो पुरस्कार होते हैं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था? अच्छा, ये फिजिक्स से कोई क्वेश्चन थे क्या? फिजिक्स से क्वेश्चन थे, एक दो थे लगभग मुझे। ऐसा यूनिट करके कुछ पूछा गया था क्या उस टाइप का? कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, नो नो। जनरल एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन थे, अवेयरनेस से, किस टाइप का? जनरल एप्टीट्यूड अवेयरनेस से, जैसे वो मुझे लगा। कोई फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया था क्या? फुल फॉर्म नहीं तो पूछा गया, फुल फॉर्म के बारे में नहीं पूछा गया। कंप्यूटर साइंस से कोई क्वेश्चन था? हाँ, कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा था, उतना नहीं था, थोड़ा मतलब पूछा था उन्होंने, ज़्यादा नहीं पूछा। अब बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे? हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन थे सर। आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे सवाल थे? कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे अभी याद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। अच्छा, ये योजना करके कोई क्वेश्चन थे क्या, योजना? स्पोर्ट्स से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया, ध्यानचंद के बारे में, खेल रत्न अवार्ड के बारे में किसने लिया, या IPL के बारे में पूछा गया, और फिजिक्स से भी पूछा गया ऐसा यूनिट के बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे पेपर करके। 120 मैंने अटैम्प्ट किए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे पेपर कर, थोड़ा सा था भी डिफ़िकल्ट भी था थोड़ा, तो बट हमने एडजस्ट किया, थोड़ा अपनी भी नॉलेज थी तो हमने एडजस्ट कर लिया। कोई अच्छा, किस लेवल का क्वेश्चन आया था, मतलब आप बता सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये जो क्वेश्चन थे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि बेसिक लेवल का था या फिर टफ था, कैसे थे क्वेश्चन? मतलब बेसिक लेवल का था, उतना भी मतलब बेसिक लेवल का भी था थोड़ा थोड़ा, तो टफ लेवल का भी थोड़ा था, तो उन्होंने दोनों को मतलब दिया हुआ था दोनों। कौन सा पेपर आपको टफ लगा इसका? इसका मुझे इसमें खाली मुझे थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा बहुत टफ था, क्योंकि उसके बारे में बहुत पूछा गया था, और मैथ भी थोड़ा सा मतलब टफ था, बहुत ही मतलब क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो पर हमने कर लिया, कोई बात नहीं। अब बता सकते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन था क्या? एग्रीकल्चर से नहीं था। सॉइल वगैरह को लेकर के कुछ था? सॉइल से जैसे वही रेड सॉइल को, वो रेगर सॉइल नहीं होती है, रेगर सॉइल को और क्या कहते हैं हम, कौन सी सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, हाँ मुझे इसका नहीं लगभग, रेड सॉइल को कहते हैं, रेड सॉइल, हाँ मैं भी रेड सॉइल लगा के आया हूँ। कोई क्रॉप को लेकर के कोई क्वेश्चन था क्या? क्रॉप्स को लेके नहीं, क्रॉप्स को लेकर नहीं था, क्रॉप्स को लेकर नहीं था। अच्छा, ये था क्रॉप्स को लेके, जैसे भाई वो दिया हुआ था भाई कौन सी करेक्ट है, जैसे गेहूँ को रबी उसमें उगाया जाता है, हाँ, और मक्के को जैसे खरीफा में उगाया जाता है, मैं तो दोनों की टिक लगाया, सही लगाया, मतलब उसमें से भी था, सो क्रॉप में से भी एक क्वेश्चन।
अच्छा, ये करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो मतलब बेसिकली कब से आए थे, कब से कब तक आए थे? 2019 के, 20 के, 21 से कोई क्वेश्चन थे? 21 से तो थे, 21 से भी कोविड वाले क्वेश्चन थे क्या? कोविड वाले क्वेश्चन थे, वैक्सीनेशन से थे या फिर कोविड कैसे होता है उससे? कोविड से थे, बताया गया था मतलब कोविड का कहाँ से हुआ, किधर से किधर पहुँचा, मतलब कितने डेथ्स होगी या कितने मतलब बाद में कैसे हुआ, तो वो क्वेश्चन आए हुए थे। और बताना चाहेंगे अगर रैंकिंग करने के लिए आपको बोले कि मतलब इसका जो पेपर था ऑल ओवर वो कैसे थे, मतलब किस बेसिस के थे, जैसे कह सकते हैं ना इजी थे, मॉडरेट थे, टफ थे, कैसे थे पेपर? मतलब मॉडरेट ही थे, मॉडरेट, हाँ मॉडरेट पेपर थे, बड़ा अच्छा। कितना कटऑफ जा सकता है? लगभग 150 से 160। कैसा लगा आपका पेपर गया तो, कैसा लगा कि वो हो जाएगा, कैसा मेरिट? नहीं ना, मुझे 136 किए हैं मैंने, बाकी नेगेटिव मार्किंग भी है, लगता नहीं है, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, योजना करके कोई सवाल नहीं था इस बार? योजना करके था कोई सवाल? योजना करके नहीं था। जो स्कीम वगैरह लॉन्च करते मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिए जाते हैं, नो इससे कोई क्वेश्चन लगभग नहीं था? नो नो। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैं सभी अटेम्प्ट कर दिए। आपने कितने किए? 120 के आसपास किए। बता सकते हैं कैसे क्वेश्चन थे? ठीक थे, बड़ी तैयारी है, जब ये अच्छी रहेंगे तभी। मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन थे? मैथमेटिक्स तो ठीक थी, हार्ड थी थोड़ी बट ठीक थी। टाइम टेकन थे या फिर वो बन जा रहे थे, इजी थे? टाइम टेकन तो थे ही, ना ज़्यादा इजी थे ना ज़्यादा टफ थे, यार तैयारी पे डिपेंड होता है। बता सकते हैं हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन थे, मॉडर्न थे, एंशियंट थे या फिर मेडिवल? हिस्ट्री तो आई नहीं शायद, हिस्ट्री गांधी एक ही दो क्वेश्चन मिले हो गए मेरे तो, देखे नहीं ज़्यादा। कैसे क्वेश्चन थे? बढ़िया थे, जनरल नॉलेज के थे। अच्छा, करंट अफेयर से किस मतलब कि पर्टिकुलर किस ईयर से क्वेश्चंस पूछे गए थे? सभी ईयर से थे। हाँ, बता सकते हैं कि कुछ मतलब कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? जैसे कि कब संविधान लागू हुआ, कब नहीं हुआ, कौन सा, ऐसे 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 थे। आर्किटेक्चर से कोई क्वेश्चन था कि कोई एम्पायर को लेके कि किसने बनवाया, ऐसे कुछ? हाँ हाँ थे। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन था क्या? कैसे जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन थे क्या? ना कोई, कोई रिवर करके ना नहीं थे। अच्छा, बताइएगा इसमें हिस्ट्री में मॉडर्न क्वेश्चन पाए गए थे। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंशन से कैसे क्वेश्चन थे हिंदी और इंग्लिश का, बताइएंगे हिंदी में क्या पूछे गए थे, मुहावरा वगैरह कुछ थे क्या? हिंदी में बहुत बढ़िया थे, मतलब के कोई क्वेश्चन याद हो आपको बताइए? क्वेश्चन मतलब के बहुत ही होते आसान थे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है मतलब के। कोई क्वेश्चन आपको याद हो माइंड में, रिकॉल कर पा रहे हो? इसी तरह के एग्जाम रिव्यूज और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन रजनीश के साथ बेस्ट टेक फेयर।